बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर नेक्स्ट टॉपिक सॉलिड स्टेट्स फ्रॉम चैप्टर नंबर 5 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टूडेंट्स, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर को डिटेल में डिस्कस करने से पहले मैं एक मरतबा फिर रिवाइज करूँगी रॉबर्ट ब्राउन का जो फिनोमेना उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, डिस्कवर किया 1828 में, इट इज़ ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन बेसिकली ये मोशन होती है अमंग द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर, वेदर इट इज सॉलिड स्टेट्स आर इन द गैसियस स्टेट आर इन द लिक्विड स्टेट। अगर हम सॉलिड स्टेट की बात करें तो सॉलिड, लिक्विड, गैस जो मैटर की तीन स्टेट्स हैं, तो सॉलिड जो है उसमें मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं, लिक्विड में टाइटली पैक्ड नहीं होते, थोड़े लूज हो जाते हैं, और गैशियस स्टेट में ये मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा लूज होते हैं, इनके दरमियान सबसे ज़्यादा स्पेसेस पाई जाती हैं। अब ऐसा होता क्यों है? सॉलिड स्टेट की केमिस्ट्री हमें यह कहती है कि मैटर के तीन स्टेट सॉलिड, लिक्विड, गैसेज जो पाई जाती हैं, उसमें गैस के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पे होते हैं, क्योंकि उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा वीक होती है, जबकि लिक्विड के मॉलिक्यूल एज कम्पेयर टू गैस मॉलिक्यूल एक फील करते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग देयर मॉलिक्यूल्स, तो ये थोड़े बहुत जुड़े हुए होते हैं एज कम्पेयर टू गैसियस स्टेट। लेकिन सॉलिड स्टेट में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नज़र आती है अमंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सॉलिड स्टेट। इसी स्टिफनेस की वजह से मॉलिक्यूल आपस में क्लोजली जुड़े हुए होते हैं, पैक्ड होते हैं, और इसी की वजह से सॉलिड स्टेट की जो है वो कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ भी डेवलप हो जाती हैं। सबसे पहली चीज़ ये कि जो सॉलिड स्टेट होते हैं उनकी जो डेफिनेशन है, सॉरी जो शेप है वो डेफिनेट होती है, यानी ख़ास शेप होती है, कितना भी प्रेशर उसके ऊपर लगाया जाए, फोर्स लगाई जाए, उनकी शेप जो है उसमें कोई चेंज नहीं आता, बिकॉज इन द सॉलिड स्टेट मॉलिक्यूल्स आर टाइटली पैक्ड। उनका डेफिनेट वॉल्यूम होता है, मीन टू से उनको किसी भी जो है वो जगह रख दिया जाए, उनके वॉल्यूम के अंदर कोई चेंज नहीं आता, और ये जो वॉल्यूम के अंदर चेंज नहीं आ रहा है इसकी वजह सारी की सारी मॉलिक्यूल का टाइटली पैक्ड होना है, उनके दरमियान स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना है। जो सॉलिड स्टेट्स है इसको ये इनकम्प्रेसिबल होती है, यानी इसके ऊपर जितना भी फोर्स अप्लाई की जाए, जितना प्रेशर इस पर लगाया जाए सॉलिड स्टेट्स के ऊपर, ये कभी भी कंप्रेस नहीं होती, ये रिजिड होती है, मीन टू से उनके शार्प एजेस होते हैं तमाम के तमाम सॉलिड्स के, एंड दे हैव अ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। इसके अलावा जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, यानी उन सॉलिड को बनाने वाले जो पार्टिकल्स हैं, वो मॉलिक्यूल्स हों या एटम्स हों, वो हमेशा क्लोजली पैक्ड होंगे ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अमंग द मॉलिक्यूल पाई जाती हैं और फिक्स पोजीशन होती है कंस्टिट्यूएंट्स की, यानी उन मॉलिक्यूल्स की। या मिसाल हम देंगे दोबारा से, अगर हम ये फुटबॉल को, ये जो है वो नॉर्मल सी एक बॉल को देख लें, इसको अगर आप बीकर के अंदर रखें या इसको आप ऐसे हाथ में ले लें, इसके जो कवर्ड वॉल्यूम होगा वो स्पेस वो उसकी डेफिनेट होगी, क्योंकि इसकी जो स्ट्रक्चर है वो डेफिनेट है। इसी तरह हम देखते हैं इसका सॉलिड्स का मेल्टिंग पॉइंट, या मिसाल हमारे पास आइस की, आइस की डेफिनेट शेप होती है, लेकिन जब आइस को मेल्ट किया जाता है तो एक ख़ास टेम्परेचर पे जाके आइस जो है वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि आप कोई भी सॉलिड ले लें, जब आप उसको रूम टेम्परेचर से ज़्यादा हीट देने की कोशिश करेंगे तो अबव द रूम टेम्परेचर वो आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, अपनी जगह जो है वो अपनी शेप को चेंज करने लगेगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यूरिंग द हीटिंग वो ब्रेक हो जाती हैं, वो वीक हो जाती हैं, इसी वजह से मॉलिक्यूल अपनी जगह से मूव करने लगते हैं, और हम कहते हैं कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर विल बी अकर, मीन टू से आप अगर किसी सॉलिड को हीट अप करें तो आहिस्ता आहिस्ता स्लोली वो कन्वर्ट होने लगता है लिक्विड स्टेट में। एट दैट पॉइंट साइंटिस्ट कहते हैं कि जो मेल्टिंग पॉइंट, फर्स्ट करें हमारे पास यहाँ आइस की मिसाल हम लेते हैं, आइस जो है इसको इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट वो ज़ीरो होता है, लेकिन जब आइस को जो है वो मेल्ट करने के लिए रखा जाए तो जब तक सारी की सारी आइस मेल्ट नहीं हो जाती, टेम्परेचर में ज़ीरो डिग्री से ऊपर का इजाफा नहीं होता, वजह क्या है कि जितनी हीट भी दी जा रही होती है वो
सॉलिड पार्टिकल सॉलिड स्टेट में मौजूद मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए यूज होती है। दैट्स वाई एट द एंड ऑफ द कन्वर्जन ऑफ द सॉलिड स्टेट इनटू द लिक्विड स्टेट टेम्परेचर में इजाफा नहीं होता। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स जो है वो चेंज हो जाती है, इसी वजह से सॉलिड जो है वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने लगते हैं। अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ द सॉलिड की तरफ। टिपिकल प्रॉपर्टीज हम जनरली देखते सुनते हैं कि सॉलिड स्टेट जो है वो उसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है, उसका डेफिनेट शेप होती है, उसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसके अलावा इनकम्प्रेसिबल होती है। लेकिन टाइप्स ऑफ द सॉलिड हमें बताते हैं कि ये टाइप्स जो सॉलिड है ये डिपेंड किस चीज़ पे करेगा। ऑन द अरेंजमेंट ऑफ द बॉन्डिंग एनर्जी, अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑन दीज सॉलिड की दो बड़ी टाइप्स हैं, क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं ये हमेशा ऐसे मतलब सॉलिड्स होते हैं कि जिनके दरमियान पाए जाने वाले एटम्स या मॉलिक्यूल वो स्ट्रॉन्गली पैक्ड होते हैं, एक डेफिनेट पैटर्न में होते हैं और जो है वो डेफिनेट उनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, डेफिनेट ज्योमेट्री होती है। एग्जांपल अब हम देखते हैं NaCl की कुछ देर के बाद। और एमॉर्फस सॉलिड जो है ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है और मॉर्फिन जो है ये अगेन ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, इसका मतलब होता है शेपलेस, यानी कोई रेगुलर जो है वो पैटर्न नहीं होता है। एमॉर्फस जो सॉलिड्स होते हैं बजाय देखने में ये क्रिस्टलाइन लगते हैं लेकिन इनके शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स नहीं होते, इसके अलावा डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप्स नहीं होती, ये शेपलेस होते हैं। अब टाइप्स ऑफ द क्रिस्टल स्ट्रक्चर, जब हम कहते हैं क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है यानी जो सॉलिड है वो क्रिस्टलाइन है, तो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं। आयनिक क्रिस्टल्स के अंदर आ जाते हैं, कोवलेंट क्रिस्टल आ जाते हैं, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स आ जाते हैं, मेटालिक क्रिस्टल आ जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपके पास जो मॉलिक्यूल है वो डिपेंड कर रहा है, अगर उसमें आयनिक बॉन्डिंग है और वो सॉलिड स्टेट में है तो हम उसको आयनिक क्रिस्टल्स कहेंगे, ठीक है, क्योंकि डेफिनेट पैटर्न होता है ना तो मॉलिक्यूल का। यही चीज़ है कि अगर कंपाउंड जो है गिवन वो सॉलिड स्टेट में है, उनके अंदर कोवलेंट बॉन्डिंग है तो वो कोवलेंट क्रिस्टल्स कहलाएंगे। मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स हमेशा उन कंपाउंड्स के होते हैं जिनके दरमियान कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। मेटालिक क्रिस्टल्स वो होते हैं जो कि मेटल एटम्स की बात हो रही है, जहां एटम्स जो डेफिनेट शेप पे एक दूसरे के साथ अरेंज होते हैं तो सॉलिड स्टेट में हो तो वो मेटालिक क्रिस्टल्स बनाएंगे। यहाँ हम मुख्तलिफ डायग्राम दे सकते हैं, ये डिफरेंट टाइप्स है हमारे पास क्रिस्टल की जो आपको नज़र आ रही है। ये जो शक्ल है ये जो है सीजियम क्लोराइड और सीजियम ब्रोमाइड की है जो कि आयनिक है। ये स्ट्रक्चर जो है NaCl की होगी और सोडियम फ्लोराइड ब्रोमाइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड की होगी, यानी ये उसका एक जो है वो हम मॉलिक्यूल एक नहीं कह सकते, ये बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये उसका एक यूनिट है जिसके अंदर डिफरेंट जो है वो मजीद यूनिट्स पाए जाते हैं और क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनती है। डायमंड जो है ये भी हमारे पास एक तरह से क्रिस्टलाइन फॉर्म में आता है, सॉलिड स्टेट में होता है, ये टोटली कार्बन के एटम्स के मिल से बना होता है और इसी जी स्ट्रक्चर है डायमंड की, इसमें सारे के सारे जो ब्लैक डॉट्स हैं वो किसको शो कर रहे हैं, हमारे पास कार्बन एटम्स को, और रेड कलर में इसका जो है वो इलेक्ट्रॉन शो होते हैं, मीन टू से हर एक कार्बन है वो स्ट्रांगली सारी तरफ से बॉन्डेड होता है और कोई फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं होता। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास कार्बन की एलोट्रॉफिक फॉर्म, ये बात याद रखें स्टूडेंट्स, डायमंड जो है ये एलोट्रॉफिक फॉर्म है किसकी, कार्बन की, और ये दूसरी फॉर्म हमारे पास इसकी ग्रेफाइट की, ग्रेफियन वर्ड है जो कि ग्रीक लैंग्वेज से निकला जिसका मतलब है टू राइट। तो ग्रेफाइट जो लेड पेंसिल्स हमारे पास होती हैं जिससे स्टूडेंट्स लिखते हैं तो ये मार्क छोड़ देता है कागज़ या पेपर या किसी भी चीज़ के ऊपर, सरफेस के ऊपर, इसलिए इसको ग्रेफाइट कहा जाता है। ये भी बेसिकली हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स होती हैं, सिक्स एजेस के अंदर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सॉरी एटम्स जो हैं कार्बन के अरेंज होते हैं। ये इसकी मिडिल स्ट्रक्चर्स आप देख सकते हैं और जो हर लेयर्स की फॉर्म में ये ग्रेफाइट पाया जाता है। इसे हमारे पास फुलरेंस होता है जो कि बक्की बाल भी जिसको कहा जाता है, इसको आप गौर से देखें तो फाइव एजेस कार्बन जो है हमें इसमें नज़र आ रहा है और ये डेफिनेट शेप बनाता है। ये बक्की बाल ये भी क्रिस्टलाइन फॉर्म है किसकी, कार्बन की।
क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स हमने देखा। तो सॉलिड मटेरियल जो है आमतौर पर वो क्रिस्टलाइन होते हैं, मॉर्फस हो सकते हैं, पोली क्रिस्टलाइन हो सकते हैं, यानी एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन शेप्स के मालिक होते हैं। अगर टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह।